32 साल की उम्र में सिंधु नदी के पानी को एक एक कस्बे तक पहुंचाया और कर्नाटक के भागीरथ का लाए हमारे सर विश्व सरैया हमारे उसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे प्रचार समेत सभी मंचासीन विशिष्ट जनों से ये नम्र निवेदन करता हूँ कि दीप प्रज्वलन एवं विश्व सरैया सर की तस्वीर पर माल्यार्पण कर हमारे सभा का शुभारंभ करें। हम कुछ नहीं कहते हमारे बारे में तो लोग कह जाते हैं ये वैसा स्थान है जहाँ एक विद्यार्थी हीरे की तरह तरह हुआ। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं नैन्सी से अनुरोध करता हूँ कि वे मंच पर आके हमारे प्रभात सर को फूल फूल प्रदान कर उनका अभिनंदन करें। अभी हमारे समक्ष एक महान व्यक्ति को अब मैं वंदना को मंच पर बुलाना चाहूंगी कि वो आकर हमारे अतिथि मंतोष सर को फूलों का गुलदस्ता प्रदान कर उनका स्वागत करें। अनुरोध है कि मंच पर आकर हमारे संस्थान के प्राचार्य को फूलों का गुलदस्ता भेंट करें। हम बहुत प्रभावशाली हैं कि हमने आपके जैसा प्रचार दिखाया है आपने व्याख्याता गण के साथ मिलकर हमारे संस्थान को नंबर वन बनाया है। हमारे कॉलेज को सितारों के बीच काम की तरह चमकाया है। आपके अनुरोध करती हूँ कि आप
मंच पर आकर हमारे संस्थान के उप प्राचार्य को फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत करें। अब मैं अपने कॉलेज के प्राचार्य से नम्र निवेदन करती हूँ कि आप आए और हमें अपने प्रेरणादायक शब्दों से अनुग्रहित करें। I welcome the OST DUP Sri Santosh Kumar ji in the institutions on the eve of Engineers Day. इनके साथ अपने तमाम वरीय शिक्षक उपाचार्य एवं हमारे प्रिय नव अभियंतागण, आज अभियंता दिवस पे आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ और आपके अभियंतरण जो कैरियर है चुना है आपने, जो इंजीनियरिंग का कैरियर चुना है उसके लिए आपको बधाई। जैसा कि आप सभी जानते हैं सर मोहन सैया साहब को हम अंग्रेजों ने सर की उपाधि दी थी, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया। वो इतने ख्याति प्राप्त अभियंता थे जिन्होंने भारत के पुनर्निर्माण में, अंग्रेजों के जाने के बाद पुनर्निर्माण में, सिंचाई के क्षेत्र में हो या प्लानिंग के क्षेत्र में हो, अविस्मरणीय काम किए और उनको इसका श्रेय देने हेतु हम सभी उनके जन्मदिन पर आज अभियंता दिवस मनाते हैं। उसमें हम अपने विश्वेश्वरैया साहब का चेहरा आप सब में देखते हैं। ये सभी शिक्षक हम उम्मीद करते हैं कि हमारा एक एक छात्र विश्वेश्वरैया साहब से आगे चल पड़े, उनसे उनके पद चिन्हों पर चल के समाज में इस तरह के कार्य करें जिससे इंजीनियरिंग की महत्ता समाज में बढ़ जाए। इंजीनियरिंग डेवलपमेंट और एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग सोशल इंजीनियरिंग भी है। आपके द्वारा जो किए जाने वाले ऐसे कोई भी कार्य जो सृजनात्मक है उससे इंजीनियरिंग जुड़ा हुआ। पहला इंजीनियर जिन्होंने पहिए का आविष्कार किया वो डिप्लोमा और डिग्री नहीं लिए, उनके माइंडसेट में था और उन्होंने उन्हें ये अभी नहीं पता था कि नॉलिक फ्रिक्शन क्या होता है और स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट करी और पहिया का आविष्कार हो चला। उन्होंने सिर्फ ये देखा कि कोई ऐसा डिवाइस जिससे मानव प्रजाति को
चलना आसान बना, इनका जीना आसान बना। ना उनके पास स्पोर्ट्स का ज्ञान था, ना उसका स्लाइडिंग फ्रिक्शन का ज्ञान था, ना रोलिंग फ्रिक्शन का ज्ञान था, ना डिप्लोमा की डिग्री थी, ना इंजीनियरिंग की डिग्री था। क्या एक हौसला, एक जुनून, एक सोचने का, एक एनालाइज करने। आपने जो भी पढ़ा है, जो हमारे शिक्षक बंधु क्या क्या था बंधु, इतने मेहनत से तन्मयता से आपको पढ़ाते हैं, आपके एटीट्यूड को बदलते हैं। आपकी सोच इंजीनियरिंग होती है, साइंटिफिक होती है, उसके एप्लीकेशन इंजीनियरिंग होता है। आपने साइंस पढ़ा, साइंस पढ़कर यहाँ तक आया, आपने कंपटीशन में अव्वल आए, साइंस का बैकग्राउंड पूरा बना है, अब उसका एप्लीकेशन इंजीनियरिंग में करना है। और उस इंजीनियरिंग से आपका जो एटीट्यूड है, जो सोचने की शक्ति है, जो एनालिसिस करने की शक्ति है, उसे बढ़ाना है, ताकि एक अच्छे नागरिक बन के समाज को, मानव जाति को, की जिंदगी को आसान बनाया जा सके। चाहे उनके लाइवलीहुड के लिए हो, चाहे उनके स्वास्थ्य का हो, चाहे उनके इकोनॉमिक और फाइनेंशियल पोजीशन को अपग्रेड करने के लिए हो। और इस दिशा में आपके सभी जो शिक्षक, जो आपके प्रेरणा के स्रोत हैं, आज हमारे मुख्य अतिथि महोदय और अतिथि महोदय को आपके प्रोजेक्ट देख के इन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा किए। और इन्होंने बताया कि आपके जो छात्रगण हैं, जो इतने प्रोजेक्ट के बारे में सोच लेते हैं, इतने तरह का स्टूडेंट प्रोजेक्ट को इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है, इनकी प्रेरणा कहाँ से आती है। मैंने अपने मुख्य अतिथि साहब को बताया था कि हमारे सभी शिक्षक स्टूडेंट प्रोजेक्ट परियोजना में पिछली बार से ही, दस साल से ही, बिहार के सभी संस्थानों से, न केवल पॉलिटेक्निक बल्कि इंजीनियरिंग कॉलेज से भी सबसे ज्यादा स्टूडेंट प्रोजेक्ट किया। कोविड महामारी के चलते इस बार के स्टूडेंट परियोजना में गति धीमी रही, परंतु आज इनके प्रोजेक्ट को देख के हम भूले नहीं समा रहे हैं कि इन्होंने कोविड को भी मात दे दिया और इस महामारी में भी अच्छा प्रोजेक्ट कर दिया। जो इस साल का इंजीनियरिंग थीम है, इंजीनियर्स डे का जो थीम है, वो मेडिकल से जुड़ा है, हेल्थ से जुड़ा है। इंजीनियरिंग फॉर द हेल्थ, हेल्दी सोसाइटी। 2020 के इंजीनियर्स डे का जो थीम है, वो कोविड महामारी के चलते हमारी सोसाइटी को जो हेल्थ की समस्याएं हैं, उससे उबारने का है। आज हम शपथ लें कि हमारे सभी छात्र इस दिशा में कार्य करेंगे कि हमारे इंजीनियरिंग से मनुष्य को, पूरे मनुष्य प्रजाति को स्वस्थ रहने में क्या सुविधाएं मिलेंगी। आज इंजीनियरिंग ये है जो एक्सरसाइज के लिए जिम के जितने उपकरण है बना के रखे हैं, मेडिकल साइंस में जितने सर्जरी के उपकरण है बना के रखे हैं, इस संस्थान में भी एक ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स का चलता था, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, जो पार्ट टाइम में चला करता था। अब इलेक्ट्रॉनिक्स में मर्ज हो गया है। किसी भी ब्रांच के कोई भी स्टूडेंट अगर उस परियोजना को सोचते हैं और उस दिशा में कार्य करते हैं, संस्थान उसे पूरा प्रोत्साहन देगा, शिक्षक उसके मार्गदर्शन करेंगे। हमें उम्मीद करते हैं कि आने वाले वर्षों में जो परियोजनाएं आए, उसमें आज के इंजीनियर्स डे का जो थीम है, उसको समायोजित करते हुए, उसको समाहित करते हुए आपकी परियोजना अगले वर्ष तक चले और आने वाले वर्षों में कोई एक दो परियोजना भी स्टार्टअप के रूप में आ जाए जिसकी पेटेंटिंग हम लोग करा सके। और जो पहला पेटेंटिंग होगा, संस्थान उसे विशेष पुरस्कार से पुरस्कृत करेगा। संस्थान की ओर से
मैं पीछा करता हूँ अपने सभी नाम अज्ञता से अपने मेरिट का जितना प्रमाण आपने बीसीसी में देकर यहाँ स्थान पाया नामांकन में उसी तरह आप साबित करें कोई ना कोई स्टार्टअप शुरू करके कोई ना कोई पेटेंटिंग शुरू करें। अब आने वाला वर्ष तो आने वाला जो वर्ष है 2021 उसको चैलेंज के रूप में लें और हम चाहेंगे कि हमारी कोई भी टीम 1-2 पेटेंट सब अपने नाम से दर्ज करे। सब प्रयास करेंगे सफलता हमें मिलेगी। महोदय आज का दिन बहुत शुभ है। आज हमारे सभी बच्चे प्रमोट होकर नए सेमेस्टर में गए हैं और उनका बहुत आभार है। कोविड के बाद पोस्ट कोविड जो बच्चों की मुस्कान है जो शिक्षकों के बीच आत्मविश्वास है और आत्मबल है उसे देख के आज संस्थान गौरवान्वित हो रहा है और वो दिन अब फिर से दोहरेंगे जब बच्चे स्वच्छता के प्रति बागवानी के प्रति अपने वर्ष कार्यों के प्रति पर्यावरण कार्यों के प्रति कर्मशाला के प्रति डेडिकेटेड होकर काम करेंगे। और मेरा एक बार कार्पेंट्री में लकड़ी का खटखट ब्लैक स्मिथ में कोयले का धुआं इंजीनियर्स की पहचान बनाएगी और नवीन राष्ट्रीय पॉलिटेक्निक के ध्वज को ऊपर लाएगी। वंस अगेन आई थैंक्स ऑल आवर कॉलेज इंजीनियर्स फॉर देयर ब्राइट करियर और मैं चाहूंगा कि जो नए वर्षकाल शुरू हो रहे हैं जो नए समस्या शुरू हुए हैं उसमें बहुत सारी कठिनाइयां हैं। अभी 6 सेमेस्टर में परीक्षाएं हैं उसके लिए बीच बीच में कक्षाएं स्थगित होंगी। जो आगे आने वाला अक्टूबर नवंबर माह है उसमें अवकाश रूप है दुर्गा पूजा का सारा दिवाली छठ इन सब को रखते हुए हम लोग जो अकेडमिक कैलेंडर बनाए हैं आप सबों ने अकेडमिक कैलेंडर को देखा उस एकेडमिक कैलेंडर को पूरा करने का हम लोग कोशिश करेंगे। हम लोग प्रयास करेंगे कि जो कक्षाएं जैसे 6 सेमेस्टर का जिस दिन फर्स्ट सेमेस्टर में परीक्षा हो आपकी बढ़कर ऑनलाइन की व्यवस्था हो जाए जो भी आप अपने शिक्षक से बात कर सकते हैं कि यार क्लास परीक्षा के लिए पोस्टपोन है तो वो ऑनलाइन व्यवस्था कर सकते हैं स्मार्ट क्लास के थ्रू पढ़ा सकते हैं आप तक वो पहुंच जाएगी क्योंकि परीक्षाएं में बाधा पहुंचेगी। सेकेंड सेमेस्टर का परीक्षा है हम लोग साथ में कर लेंगे पढ़ाई भी होगी और परीक्षा भी होगी उसकी व्यवस्था हम लोग करेंगे। जरूरत है अनुशासन के लिए हो के आपको कॉलेज के नियमों पे साथ देने का सहयोग देने का ताकि हम लोग जो कदम उठाने जा रहे हैं पढ़ाई भी होगी और परीक्षा भी होगी उसमें इंटरफेस को आप लोग ये पहला प्रयोग है उसको आप लोग सफल बनाइए ताकि परीक्षा डिस्टर्ब नहीं हो और उसके चलते आपका पढ़ाई डिस्टर्ब हो। एक बोर्ड या एक कक्षा में परीक्षाएं चलेगी और बाकी आपके लिए वर्क काज के लिए आवंटित रहेगा आप वर्क काज करें उसमें इंटरफेरेंस नहीं करें तो नेक्स्ट वीक की परीक्षा और आगे सभी परीक्षाएं को हम लोग इस तरह आयोजित करेंगे और एक उदाहरण पेश करेगी नवीन राजकीय पॉलिटेक्निक पटना 13 कि हम परीक्षा और वर्ग का दोनों समानांतर रूप से चलाते हैं। ये वर्ष जो आगामी आने वाला वर्ष है ये चुनौती भरा होगा क्योंकि पोस्ट कोविड के बाद आपको समय कम मिला है जो फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र 6 महीने में निकलना चाहिए साल भर से वो फंसे पड़े हैं उनके पास आगे टाइम स्पीड करना पड़ेगा ताकि उनके कैरियर का ध्यान रखा जा सके ताकि उनको समय पर हम लोग प्रमाणीकरण कर पाए फाइनल डिप्लोमा का इसके लिए भी सोचना है। तो आपका पूर्ण रूपेण सहयोग चाहिए अनुशासन प्रिय होके जिस तरह रूटीन निकाला जा रहा है जिस तरह शिक्षक एक्स्ट्रा क्लास की व्यवस्था कर रहे हैं उन सब में आप सहयोग प्रदान करें ताकि जो नियमानुसार प्रकार की व्यवस्था की सुचारू रूप से संपन्न किया जा सके।
वंस अगेन थैंक्स। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने आज हमें इंजीनियर्स डे का एक थीम बताया जो कि इंजीनियरिंग फॉर अ हेल्दी प्लैनेट। सच में कोविड महामारी ने हमारा पूरा व्यवस्था अस्त व्यस्त कर दिया था और हम अब उससे उभर रहे हैं, इसके लिए हमें हेल्थ से रिलेटेड कुछ जरूर करना होगा। जानते हैं आपने तो आज हमारे जज्बे को और भी मजबूत कर दिया और हम अब ये शान से कह सकते हैं कि अगर देखना है हमारी ऊंची उड़ान को, अगर देखना है हमारी ऊंची उड़ान को तो और ऊंचा कर दो आसमान को। और आज के मुख्य अतिथि श्री प्रसाद कुमार सिन्हा सर से आग्रह कर सकता हूँ कि वो आए और हमारे दर्शकों को अपने शब्दों का श्रवण करने का मौका बताएं। सबसे पहले तो संस्थान के प्राचार्य चंद्रशेखर बाबू, प्राचार्य अनुराधा मैडम जी, संस्थान के तमाम शिक्षक और प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात ये है कि अगर आप कहीं जाते हैं तो उस वातावरण में आप कुछ पाते हैं और वो वातावरण आपको बता देता है कि माहौल है। तो सबसे पहले तो आज सारे बच्चे उत्तीर्ण हो गया, अगली कक्षा में गए हैं, उसके लिए उन सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। आपने काल को पार किया है, इसका मतलब ऊपर वाले भी चाहते हैं कि आपके लिए आगे काम बहुत बाकी, यही बनता है। मतलब संस्थान में आने से ही इस तरह का माहौल था, एक खुशनुमा माहौल लगा, ऐसा फील हुआ कि एक कोहेसिवनेस है, सब में एक टुगेदरनेस है, चाहे वो संस्थान के शिक्षक है, वो बच्चों के साथ मिल रहे हैं, जो संस्थान के शिक्षक है वो प्रिंसिपल के साथ मिल रहे हैं, वाइस प्रिंसिपल के साथ मिल रहे हैं, बच्चे जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो एक एक जुड़ाव था, एक लगाव था और एक सही भी जो आज के दिन में जो हम लोग प्रॉब्लम जो तनाव था वो नहीं था। आज के दिन में ये बहुत खुशी की बात है कि जिस तरह से बच्चे इसमें लगे हुए, आज इंजीनियर्स डे है, इंजीनियर्स डे मतलब ऐसा है कि आप राष्ट्र के निर्माता एक तरह से और पीछे मोड़ के नहीं देखा जा सकता। इसी महीने में टीचर्स डे होता है, आपको तो ऐसा लगा माहौल अंदर दूसरे के बाद कि टीचर्स डे और इंजीनियर्स डे का एक समन्वय हो गया। अभी पूरा आपके लिए पूरा करियर बाकी है, पूरा दुनिया देखनी है और जिस तरह से संस्थान और हम 20-25 साल से चंद्रशेखर जी को भी जानते हैं, जिस तरह से बच्चे के लिए या समाज के लिए या कॉलेज के लिए फाइट करते थे हम लोग, वो चीज आज भी वो उसी प्रयास में है और वो बच्चे के चेहरे पर से दिख रहा था कि आप किस तरह से आप अपने संस्थान में अपने प्रचार्य और पूरे टीम के साथ किस तरह से काम कर रहे हैं। तो उसके लिए भी आप संस्थान के सभी शिक्षक प्रोजेक्ट में को देखने को वो झलक रहा था, उनका इनकॉर्पोरेशन है, देखिए कि अरे टीचर को भी लग रहा है कि वो प्रोजेक्ट हमारा है, बच्चे को भी लग रहा है प्रोजेक्ट हमारा है, प्रिंसिपल का को भी लग रहा है प्रोजेक्ट हमारा ही है, तो होना ही है, आगे इसमें कोई उसको कोई रोक नहीं सकता है। जहां तक इस साल का जो थीम प्रचार्य महोदय ने बताया कि इस साल का थीम है इंजीनियरिंग फॉर हेल्थ या इंजीनियरिंग फॉर डिसेबिलिटी या हेल्दी प्लानेट। हम आज के दिन जितने प्रोजेक्ट में देखे हमको लगा कि सब चीज ऑलरेडी इंटीग्रल पार्ट हुआ, कब सेट हुआ मालूम नहीं, बट
ये बच्चे में सारे प्रोजेक्ट है, हमने देखा कि उसको एक तरह से फ्री फ्रॉम इंटरफेस किया गया, कनेक्शन से दूर रखा गया है। कोविड काल में वही तो हम लोग बोलते आए, दूरी को बढ़ाना है, सेल्फ ऑटोमेटिक, ठीक है, बिना आपकी अनमैन, ठीक है, वाईफाई, आईओटी, सारे प्रोजेक्ट में ऐसा था। वो एक आईटी के से व्हाट्सएप और जूम और गूगल मीट और माइक्रोसॉफ्ट टीम का जितना बड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म है, बच्चे ने इतने छोटे छोटे चीज में उस कठिन कठिन कार्य को करके दिखाया है, वो उसके जज्बे को दिखाता है। वो तब तक नहीं हो सकता है जब तक आपके साथ कार्य कर रहे शिक्षक आपको फ्रीडम का मौका दे, आपके साथ मदद करें और आपको उसके लिए प्रोत्साहित करें। सर ने बहुत अच्छा बताया कि जो भी फर्स्ट पेटेंट होगा वो पेटेंट कॉलेज की तरफ से 100% स्पॉन्सर्ड होगा, या ऐसे ही आज के दिन स्टार्टअप है या फर्स्ट कमर है उसके लिए सब जगह प्रॉब्लम है, अटल टिंकरिंग लैब से लेकिन सब कुछ आपके लिए उपलब्ध है। बस वो जज्बा होना चाहिए कि आगे आपको कैसे बढ़ना। आपके आप लोगों की जानकारी के लिए किस तरह से आप लोगों का झुकाव है या लगाव है टुवर्ड्स आईटी, और इसके लिए ये बताना जरूरी है कि बिहार में पहला सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी सेटअप हो गया। इस कुमार के 14वें तल्ला पर सीधे जो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग है, भारत सरकार की संस्था जो रिसर्च डेवलपमेंट, और ये जितना हम लोग बात कर रहे हैं आईओटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, क्वांटम कंप्यूटिंग, ये सब चीज पर काम करने के लिए स्पेशल फोकस एरिया के हिसाब से आज के दिन 2017 में हम लोगों ने उस समय के तत्कालीन जो माननीय मंत्री थे केंद्र सरकार के रविशंकर प्रसाद जी और अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी दोनों के साथ में एक दिन पहले 14 तारीख को हम लोगों ने कार्यक्रम किया था 2017 में, और उसका फलाफल हुआ कि 2020 में सीनेट का सेंटर यहाँ बिहार जो पार्लियामेंट से होता है उसका मतलब स्टार्ट हो गया, और फर्स्ट सुपर कंप्यूटर यहाँ पर अभी परम बुद्धा के नाम से तन लग रहा है। अगर आप लोगों को अगर इंटरेस्ट होगा तो हम चाहेंगे कि बैच वाइज बना के उन लोगों को वो फैसिलिटी आप लोग को जरूर दिखाएं, ताकि आपका जो आउटलुक है या जो सेशन हो कि ये सुपर कंप्यूटर क्या हो, एक तेज चलने वाला कंप्यूटर जो सुपर कंप्यूटर क्या फैसिलिटी होगा। अगर जस्ट आपके जानकारी से बता दें कि वहाँ भी 12 केवीए का लोड है सुपर कंप्यूटर लगने के पहले, और केवल सुपर कंप्यूटर का लोड 15 केवीए का है, मतलब अब उसको लोड 30 केवीए करना हो तो वो बहुत बड़ा फैसिलिटी है। तो आज के दिन में इस तरह से दुनिया में परिवर्तन हो रहा है, और आप ये भी जितने ब्रांच के लोग और जितने छात्रों ने भी जो प्रोजेक्ट किया वो सब में दिख रहा था, क्योंकि इसमें इंटेलिजेंस, इसमें इंटरनेट, इसमें वर्चुअल, और इसमें एक तरह से टेक्नोलॉजी का उपयोग आप लोग सब लोग कर रहे हैं, और टेक्नोलॉजी हमारे दिन प्रतिदिन की एक दिनचर्या के तरफ हो गई। आप सभी लोगों को आज इंजीनियर्स डे पर सभी लोग बधाई के पात्र हैं, और कठिन समय से हम लोग सब गुजर के बाहर आए हैं, और आज के दिन पूरे देश को, पूरे दुनिया को जिस तरह से भारत पर विश्वास है उसी तरह से भारत को अपने भविष्य पर विश्वास है, और वो भविष्य कल के आप उत्सुकता आप लोगों में दिखने को मिलता है। यहाँ लास्ट टाइम ये आए थे लगता है दो साल पहले, लास्ट ईयर तो नहीं हो पाया था, एक साल पहले प्रधान सचिव महोदय भी आए थे, वो दिखता है, और वो दिखने का कारण में जब तक सबकी समाहित नहीं होगा वो
सभी लोगों को आपके उज्ज्वल भविष्य के लिए इंजीनियर श्रेय में आपकी भागीदारी और आपकी जरूरत ये दोनों को बहुत महत्वपूर्ण। हो सकता है आपको लगता होगा कि आप अकेले क्या कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत वैसे ही होता है, शुरुआत वही छोटे छोटे हिस्से होता है। इस बड़े बड़े प्रोजेक्ट जिसमें सालों और उसमें सेटेलाइट कनेक्टिविटी, वायरलेस कनेक्टिविटी, आईओटी, अत्यधिक पूरा दुनिया ही उसी की ओर मूव कर रहे हैं और आप छोटे छोटे सर्किट में उसको, हमको याद है कि इंजीनियरिंग के काम में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स और यू में किताब खरीदा करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और यू में बहुत सारा चीज जो रहता था, क्लैपिंग स्विच, ऑटो इनेबल, ऑटो डिसेबल, ठीक है, रेडियो कैसे जूते के डब्बा में बनाते हैं, घर में स्पीकर रखते थे, वो सब चीज आती थी। आज के दिन आप लोगों में तो एकदम नया, मतलब जो भी आप बना रहे हैं छोटे 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 सर्किट से, कोविड के लिए इतना छोटा सर्किट से ये चीज बना दिया गया, कैसे उसको इनेबल करेंगे, कैसे डिसेबल करेंगे, कैसे आपको अलाउ करेंगे, ऑटो पार्किंग, ऑटो मूवमेंट, मतलब अनमैन व्हीकल मूवमेंट, तो ये सब चीजें इनोवेशन है। और कुछ लोग तो एक दिन में ही प्रोजेक्ट को बना रहे, देख रहे हैं, सजेस्ट जरूर कर सकते हैं कि
ही अपने समाज के प्रति भी आपको दायित्व रखना है, आपके परिवार के प्रति भी आपको दायित्व रखना है, अपने बड़ों और छोटों के प्रति भी आपका दायित्व कुछ ना कुछ है। क्योंकि जब आप बड़े होंगे या आप जब गार्जियन बनेंगे तो उसकी अहमियत आपको समझ में आएगी, तब तक वो दूरी बढ़ ना जाए। तो इंटरनेट की दुनिया में हम लोग आगे बढ़े, सुपर कंप्यूटर तक पहुंचे, लेकिन अपने आप को जब घर में लाएं या रूम में लाएं या परिवार के साथ लाएं तो अपने आप को मोबाइल से स्टेशनरी जरूर समझें, ताकि वही जो एक सोशल इथिक्स हम लोग का बना हुआ था वो बना हुआ है। और ये दोनों होता है, इसलिए सब फिर से जो है सारे शिक्षक लोगों की, क्योंकि वो आप वो भी आपके राष्ट्र निर्माता वो आर्किटेक्ट आपकी मेकर्स नेशन के वही उनके प्रति भी बहुत सम्मान रखते हुए इस पर उपस्थित सारे गणमान्य लोग सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद ये मौका देने के लिए और आपके साथ जुड़ने के लिए। ये मौका अच्छा लगता है हम लोगों को, अभी हम साइड वैसे ही बनते जितना आप लोग की तरफ बढ़ते हैं। आज जब भी मौका मिलेगा जिस तरह से हम लोग संस्थान के लिए काम करने के लिए सक्षम हम रहेंगे, आपको मौका देंगे कि आपको इंडस्ट्री के साथ अलाइन करके आपके आगे के फ्यूचर के बारे में कुछ कार्य मिल के कर सकें। इसी शुभकामना के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें आपको सुनने का मौका दिया, तो एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए जवाब सर के लिए। ये हुनर, ये सादगी, ये अपने पद की मूरत नहीं देखी, ये हुनर, ये सादगी, ये अपने पद की मूरत नहीं देखी, किरदार तो बहुत देखे हैं जमाने में, कि किरदार तो बहुत देखे हैं जमाने में, मगर कभी आप जैसी शख्सियत नहीं देखी। डिप्लोमा होल्डर को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की सुविधा प्रदान करना, उन्हें अधिक रोजगार बनाना है। पूजा हो मंदिर में तो थाली भी चाहिए, फिर
पूजा हो मंदिर में तो थाली भी चाहिए और परफॉर्मेंस हो एनजीपी में तो ताली भी बजाइए। मैकेनिकल ब्रांच के व्याख्याता हम सब के चाहते प्रोफेसर शंभू सर को आमंत्रित करती हूँ जो आज इंजीनियर डे पर प्रकाश डाले। आदरणीय आचार्य महोदय एवं आज के अतिथि श्री पीके सर एवं विशिष्ट अतिथि श्री मंसूर सर एवं पंचा सिंह वरीय व्याख्यातागण एवं मेरे प्रिय कली एवं भारत के भविष्य निर्माता मेरे प्यारे इंजीनियर्स बहुत हार्दिक बधाई। मुझे अपार खुशी हो रही है कि आज इंजीनियर्स डे पे मुझे आप लोगों के बीच में रूबरू होने का मौका मिला है। मैं दो शब्द कहूंगा आपके लिए, गौर कीजिएगा जो आप इंजीनियर्स के लिए लिखा है। काबिलियत इतनी होती है इंजीनियर्स में, काबिलियत इतनी है इंजीनियर्स में कि वो चाहे तो जन्नत में भी लिफ्ट लगा देंगे। अगर वो खुद को पहचान ले तो एनजीपी को भी चांद पे शिफ्ट करवा देंगे। और मुझे बहुत गर्व के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं इस संस्थान का शिक्षक हूँ जहाँ पे मुझे इन लोगों को ऐसे मेधावी छात्रों को पढ़ाने का मौका मिला है। और इस संस्थान के छात्र इतने अच्छे हो उस शिक्षक की पहचान की जरूरत नहीं होती। सर विश्वसरैया, एम विश्वसरैया सर बहुत बड़े नाम है, इनकी पहचान बताना बहुत छोटी बात होगी, लेकिन इनके पहचान के साथ मेरा भी एक पहचान जुड़ा हुआ है। मैं वो आज बताना चाहूंगा कि सन 2016 ईस्वी में मुझे विश्वसरैया डॉक्टरेट अवार्ड 2016 ईस्वी में मुझे प्राप्त हुआ था। भारत के कुछ ही लोगों को ये अवार्ड प्राप्त होती है जिसके आधार पे मैंने IIT पटना में डॉक्टरेट करने का मौका मिला मुझे और मैं अभी अध्ययनरत हूँ। इसी विश्वसरैया अवार्ड के चलते मुझे इसरो जैसे संस्थान में एक साल काम करने का मौका मिला। मैं हमेशा अनुसंधान के प्रति सजग रहा हूँ, इसलिए मुझे वो दिन भली भांति याद है जिस दिन हमारे प्राचार्य ने मुझे प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के रूप में चुना था संस्थान के लिए और मैं बहुत ही प्रसन्नचित हुआ। लॉकडाउन का समय था, सर ने बोला 2020 की समय है जब शुरू लॉकडाउन था, लोगों में बहुत डर थी कि लोगों में अपने जान बचाने की डर थी, लेकिन हमें बिना जान बचाए अपनी जान की परवाह नहीं की हमने। हम लोगों को ये था कि हमारे छात्र का भविष्य कैसे बने, तो हम लोगों ने एक प्रयास किया कि कैसे प्रोजेक्ट पूरा किया जाए और हम लोगों ने दिन रात मेहनत करी, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी होगा। जो बच्चे नहीं आ सकते थे संस्थान, जो बच्चे बाहर नहीं निकल सकते थे संस्थान से, उसको हम लोगों ने सामान पहुंचाया था, हम लोगों ने उसके घर पे सामान पहुंचाया और छोटी ये प्रोजेक्ट करवाया। भरोसा ही नहीं है, 110% विश्वास।
कि आने वाला जो बैच है वो ऐसा प्रोजेक्ट बनाएगा जो न बिहार में वो पूरे इंडिया में अपन होगा था। अब मैं कुछ इंजीनियर्स के बारे में बताना चाहता हूँ कि मैंने देखा है कि फेसबुक पे व्हाट्सएप पे बहुत ट्रॉल हो रहा है ये मैसेज कि हरेक जो है हरेक गेट के बाहर जो चपरासी होता है वो इंजीनियर होता है, ऐसा क्यों? ऐसा ही मेरा मुलाकात में जा रहा था कुछ दिन पहले ट्रेन में तो एक अंकल से हुआ, बोले क्या करते हो बेटा? बोला मैं इंजीनियर हूँ। वो बड़ा मायूस, बोले इंजीनियर? इंजीनियर का जमाना तो चला गया, अब डॉक्टर्स का जमाना है, वकील का जमाना है, पॉलिटिशियन का जमाना है, इंजीनियर्स कहाँ आ रहे? बोले कि अब क्यों चाचा? मेडिकल साइंस इतना बड़ा हो गया है ना, एक्सरे मशीन आ गया, अल्ट्रासाउंड मशीन आ गया, इंडोस्कोप आ गया, फलाने फलाने, मुझे पता भी नहीं कितना सारा। बोले चाचा इसको बनाया किसने? आजकल तो पंडित जी भी कंप्यूटर से कुंडली बनाने लगे हैं। आप लोगों ने कभी देखा है क्या वकील साहब मशीन को ठीक कर सकते हैं? नहीं, लेकिन एक इंजीनियर देखिएगा अच्छे वकील जरूर होंगे। इंजीनियर जो होता है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, वो मन सब कुछ सकता है लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इंजीनियर बन जाए। आपने इंजीनियरिंग और इंजीनियर के बारे में हमें बहुत कुछ बताया है, विश्व में इंजीनियर का क्या महत्व है हमें अभी गिनाया। इसी के साथ मैं अपने वरिष्ठ पार्टी कर्मी धीरज भैया से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आकर हमारे वरिष्ठ सर शंभू सर को एक पोर्ट्रेट प्रदान करें। तालियों की गड़गड़ाहट में कोई कभी नहीं आना चाहिए। हमारे संस्थान के कुछ वरिष्ठ पाठ्यक्रमियों द्वारा कुछ प्रोजेक्ट निर्माण किए गए हैं और अब समय आ चुका है कि उन्हें उनका पारितोषिक दिया जाए। तो मैं
मैं ये आग्रह करूंगा कि प्रिंसिपल सर आप अक्षय कुमार, प्रतुल वैभव, अक्षय केसरी एवं रंजीत कुमार मेहता को उपस्थित कर उनका सम्मान करें। अक्षय कुमार, प्रतुल वैभव, अक्षय केसरी और रंजीत कुमार मेहता नीरज कुमार, सुरभि कुमारी, राजनंदन शर्मा, शिवम कुमार। आपकी हाथ से थकनी नहीं चाहिए और तालियों की गड़गड़ाहट आपको रुकनी नहीं चाहिए। सुमन कुमार, सुमन कुमार, सतीश रोशन और पवन कुमार से अनुरोध करता हूँ कि वो आगे बढ़ें। अब मैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से सुमन कुमार, सुमन कुमार, सतीश रंजन और पवन कुमार से अनुरोध करता हूँ कि वो आगे अपना प्रस्तुति ग्रहण करें।
रक्तदानी के भाव को ये वो अंदर पर स्वीकारिए, पूरी साल में लड़ाए हुए तालियां को बजाइए। एक और अतिथि मनसोज सर को आज
हमारे अतिथि मंत्रों सर से ये आग्रह करूंगा कि वो हमारे समक्ष आकर पीओपीटी कोलकाता के बारे में दो शब्द कहें। डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक संस्था है जो एक स्कीम है भारत सरकार की नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम। यू माइट बी अवेयर मोस्ट ऑफ द लाइक लास्ट ईयर आल्सो वी हैव डन सम वेबिनार रिगार्डिंग दिस इन योर इंस्टीट्यूट आल्सो वी हैव डन। तो जो नहीं जान रहे हैं उनके बारे इसके बारे में मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूँ एंड टेक मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम दिस। ठीक है, एक आप जस्ट सर ने बताया जैसे कि अभी आप लोग फाइनल सेमेस्टर में अभी जस्ट प्रमोट हुए राइट, तो इसके बाद जब जब कंप्लीट होता है ये देन एक फियर सबके अंदर होता है कि इसके बाद क्या होगा। तो बीइंग एन इंजीनियर एक चीज के लिए कॉन्फिडेंट रहना, ठीक है कि मैं इंजीनियर हूँ इसके बाद क्या होगा पता नहीं बट इसके बाद बहुत कुछ होगा मेरे साथ एंड बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएगी मेरे साथ, ये पक्का है। तो ये कॉन्फिडेंस लेवल जो है ये हमेशा अपने अंदर हाई रहेगा एंड ऑलवेज एवरीवन प्रिंसिपल सर एंड एवरीवन इज गोइंग टू सपोर्ट यू। ठीक है, तो इस स्कीम के बारे में मैं बताता हूँ कि नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम क्या है। जैसे कि एक फ्रेशर्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर इंजीनियर्स डिप्लोमा होल्डर्स या इंजीनियरिंग कंप्लीट करके भारत सरकार का एक साल के लिए अप्रेंटिसशिप स्कीम में आप लोग इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एवरीवन। ठीक है, इसमें नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम में इनरोलमेंट जो है वो mhrd.nats.gov.in ये पोर्टल है। आप सिंपली एक ही स्कीम है अप्रेंटिसशिप का, आप गूगल में जाएंगे NATS सर्च करेंगे it will take you to that only. एक request है after completion of your engineering degree diploma जो भी है diploma, ठीक है आप लोग इस portal पे जाइए enrollment complete कीजिए। ठीक है, because मैं चाहूँगा आप सभी का यहाँ से placement हो जाए। ठीक है, no one needs this apprenticeship but अगर एक confidence अपने अंदर रखना यही कि अगर placements नहीं भी होते हैं then apprenticeship is always there at your door. ठीक है, तो और ये apprenticeship भारत सरकार के स्कीम फायदा ये है कि आपको एक जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए आपको एक स्टेप मिल जाता है फर्स्ट स्टेप जिसको चाहिए बिकॉज एवरी ऑर्गेनाइजेशन जो भी ऑर्गेनाइजेशन है ठीक है उनको एक्सपीरियंस लड़के चाहिए राइट। तो वन ईयर ऑफ एक्सपीरियंस जो है भारत सरकार का ये स्कीम आपको देता है सर्टिफिकेट के साथ एक साल कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, अभी बिहार सरकार के बहुत सारे संस्थान जो हैं, बहुत सारे एस्टैब्लिशमेंट जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, बिहार मेडिकल सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बहुत सारे ऐसे संस्थान है जो की इंजीनियर्स को एज एन अप्रेंटिस रखना शुरू कर दिए। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट खुद में अप्रेंटिसेस रखती है, यहाँ पे भी संस्थान में भी 7 से 8 अप्रेंटिसेस हैं जो कि हर साल रखे जाते हैं और यहाँ पे इसका अलग ही एक्सप्लोर करने का एक अलग ही अपॉर्चुनिटी मिलेगा आपको एक संस्थान में। तो बी कॉन्फिडेंट एनफ कि इसके बाद मेरा अब बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, डोंट फियर कि मेरा प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, ये पक्का है 110% है कि आपको जॉब अगर नहीं भी मिलती है आपको अप्रेंटिसशिप जरूर मिलेगी, अगर नहीं मिलती है टेक माय नंबर फ्रॉम एनीवन आई विल सपोर्ट यू। किसी भी संस्थान में चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, बिहार गवर्नमेंट का हो या प्राइवेट हो, कहीं पे भी हो, एवरीवन आई कमिट नाउ टुडे कि यहाँ पे जितने भी लड़के हैं मैं कोशिश जरूर करूंगा 110% कि आपको एटलीस्ट अप्रेंटिसशिप मैं जरूर दिलवाऊं, ये मेरा जो रिक्वेस्ट है वो मैं दिलवा सकता हूँ। ठीक है, तो बी कॉन्फिडेंट एनफ
मैं ये बताना चाह रहा था, बस आप लोग बस इतना ही कीजिएगा कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर डिग्री, ठीक है, नैट पोर्टल में जाके अपना एनरोलमेंट कंप्लीट कर लीजिए। एंड उसमें भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मैसेजेस वगैरह आते रहते हैं, उसको खोल के आप लोग देखते रहेंगे तो समझ में आएगा कि बहुत जगह से आपको अपॉर्चुनिटीज आ रही है, मिल रही है, आपको वहां जाइए, ठीक है। अभी रिसेंट में मैं बता देता हूँ, आपके जो फ्रेंड सर्कल जो घर में होंगे, जो सीनियर्स हैं जिनको अभी तक अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई कोविड के कारण, ठीक है, मैंने ग्रुप में विकास सर के भेजा भी था, दूरदर्शन में 22 तारीख को इंटरव्यू है फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, तो जो भी सीनियर्स हैं आपके जो कि वेट कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी का, गिव माय नंबर टू देम, मैं उनको वहां पे एटलीस्ट इंटरव्यू फेस तक को जरूर लेके आऊंगा, ठीक है। फॉर दिस आई कंक्लूड माय वर्ड्स एंड थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें वीओ पिटिंग के बारे में बहुत बहुत जानकारी दी और ये जानकारी हमारे लिए जरूर काम है। इसी के साथ मैं नैन्सी टॉम जी को उनके धन्यवाद ज्ञापन के लिए बुलाना चाहूंगा।
बहुत बहुत धन्यवाद नयन जी, आपके धन्यवाद ज्ञापन ने तो आज के कार्यक्रम में चार चांद ही लगा दिए। एक बार फिर से आपका अनमोल समय हमें देने के लिए दिल से धन्यवाद। बागों में फूल खिलते रहेंगे, हवा आने पे पत्ते यूं ही हिलते रहेंगे। बागों में फूल खिलते रहेंगे, हवा आने पे पत्ते यूं ही हिलते रहेंगे। अगर रही ऊपर वाले की मर्जी तो जैसे हम हाथ मिले हैं वैसे भी मिलते रहेंगे। आज के कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करता हूँ। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद।